Welcome to Maths class. I am Anpreet, your Maths teacher from Raj International School. Today I am going to introduce new chapter, that is chapter 12, Pictorial Representation. ठीक है? So आज बेटे हम Pictorial Representation के बारे में पढ़ेंगे. Means हम pictures के through या symbols के through या lines means tally marks के through हम एक data को means हमें कुछ data हमने collect कर रखा है उसको हम कैसे represent कैसे दिखा सकते हैं. ठीक है? So इसमें जो हम topic पढ़ेंगे वो आपके हैं. First is tally marks. Tally marks क्या होता है बेटे? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि like हमारे पास कुछ data है. अब data हमारे पास कैसे collect होता है? Data is a information collected from a group of people. ठीक है? हमने suppose कीजिए हमारे पास class में students हैं. ठीक है? तो उनसे मैंने उनके favorite game के बारे में पूछा कि बेटे मेरे पास ये 5 games हैं like cricket. ठीक है? Next badminton. Next football. Volleyball and basketball. Okay, so मैंने number of students से जो class में थे like suppose कीजिए 30 students हैं उनसे मैंने पूछा कि मेरे पास ये 5 games हैं इनमें से कौन सी game किस बच्चे को पसंद है. ठीक है? तो suppose कीजिए मेरे पास cricket में 5 students आ गए. ठीक है? उसके बाद बैडमिंटन में 10 आ गए. ठीक है? नेक्स्ट फुटबॉल में अगेन 5 आ गए. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ गए मेरे पास अगेन 5, यहां पर आ गए 10. सपोज कीजिए मेरे को स्टूडेंट्स ने अपने चॉइस ऐसे दी. ठीक है? अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? मैं सोचा कि इसको अगर मेरे को किसी और को इंफॉर्मेशन देनी है और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डाटा को. ठीक है? सो मैंने इसको टैली मार्क्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. टैली मार्क्स का मतलब होता है हम जो 1 का सिंबल होता है मींस अगर मैंने 1 लिखना है तो 1 का सिंबल सिंपल 1 लाइन. ठीक है? 2 आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2 सिंपल लाइंस. नेक्स्ट 3 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 1 2 3 4. ठीक है? चेंज कहां पर होता है? 5 पर. मींस हम 5 5 का ग्रुप बना सकते हैं इजी काउंटिंग के लिए. सो 1 2 3 4 हो गए और जो 5 होगा वो आपका ऐसे क्रॉस में लाइन आएगी. ठीक है? सो ये आपके पास ग्रुप बन गया 5 का. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5. देन 10 है तो 1 2 3 4 5. 5 का एक ग्रुप बन गया, एक और मेरे को 5 का चाहिए. ठीक है? सो ये 5 और 5 आपके कितने हो गए? 10. 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप, अगेन 5 का नेक्स्ट ग्रुप. ठीक है? सो ये हम क्रॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 5 का एक ग्रुप बना रहे हैं इजी काउंटिंग के लिए. सो दीज आर कॉल्ड द टैली मार्क्स. इससे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ हमें नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ पिक्चर्स या फिर सिंबल्स, सिंपल सिंबल्स लेकर डाटा को रिप्रेजेंट करना. तो हम सेम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज कीजिए मेरे पास यही डाटा है, इसको हमें पिक्टोग्राफ में दिखाना है. सो हम कैसे करते हैं पिक्टोग्राफ में? पिक्टोग्राफ मींस आप वहां पर कोई भी पिक्चर ले सकते हो या कोई भी सिंबल ले सकते हो अपनी तरफ से. ठीक है? सो इसमें मेरे पास 5 है. सो इसमें आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो. आइदर आप 5 के 5 पिक्चर्स बना दो या फिर मैं एक पिक्चर्स को 5 के इक्वल भी ले सकती हूँ. ठीक है? सो मैंने यहां पर शेप ले ली ट्राइंगल की. क्यों? 1 ट्राइंगल इक्वल टू 1 स्टूडेंट. ठीक है? सो इट मींस 5 के लिए मेरे को कितने ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी? 5. ठीक है? 10 के लिए हम 10 बनाएंगे.
में भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग. सो जहां पर हम सिंबल्स को या पिक्चर्स को यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अदर लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, डाटा. ठीक है, सो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स मेरे पास कुछ डाटा था, कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया और उसको हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो वो हमारे पास दो तरीके होते हैं, टेलीमार्क्स और पिक्टोग्राफ. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, और अगर ड्रॉ किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना, ये दोनों चीजें हम इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 12.1. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू.